मधुबनी महानगर न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर आज जमयत इस्लामी हिंद परभनी शाखा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर 30 अक्टूबर शुक्रवार के रोज़ सुबह 9:30 बजे से दोपहर 4 बजे तक रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया, जिसमें 83 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया था। जमात इस्लामी हिंद शहर अध्यक्ष खैसर हाशमी, अंसारी वाजिद सर, नजमुल हसन, जकीउद्दीन खतीब, पत्रकार मोहम्मद फैजान खादरी, सिद्दीक खान, एसआईओ के यूथ विंग के ज़िला अध्यक्ष शेख इमरान, शहर अध्यक्ष एजाज खान, सचिव फारूक खान, यूनुस खान, सैयद रहमान, सैयद असद आदि पदाधिकारी इसमें हाजिर थे। जमात इस्लामी हिंद पिछले कई सालों से सामाजिक कार्य करते हुए समाज सेवाओं में अग्रसर रहती है। हर साल मिलादुन नबी के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। आम इंसान और विशेषकर मरीजों को इसका फ़ायदा मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा शुक्र एहसान है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके से, क्योंकि आज 12 रबी अव्वल है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौमे विलादत। और जैसे जमात इस्लामी यूथ विंग एसआईओ हमेशा से इस दिन ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद करती आई, अलहमदिल्ला इस मरतबा शहर में 2 जगहों पर इस कैंप को मुनद किया गया है। वहाँ से आप लोग देख ही रहे हैं कि अलहमदिल्ला काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उसको मिला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि खैरुन नास मन यनफउन नास, उनमें से बेहतरीन लोग वो हैं जो दूसरों के काम आते हैं। पिछले दिनों हमारे मुल्क में, सारे दुनिया में कोरोना के नाम से जो बीमारी फैली हुई है, उस बीमारी का सबसे बेहतर इलाज जो नज़र आया है वो होता है प्लेटलेट्स और खून की ज़्यादातर फ्राहमी। तो इस दौर में सबसे अहम खिदमत बीमारों के लिए जो हो सकती है वो है ब्लड डोनेशन। तो आप लोग जहाँ भी इस चीज़ को देख रहे हैं, जहाँ भी किसी ज़रूरत आप महसूस करते हैं, तो प्लीज़ आगे आइए, इंसानियत का साथ दें, अपना ब्लड डोनेट करें और बीमारों के लिए हमेशा खिदमत करने का काम करते हैं। शुक्रिया। आदाब, नमस्कार। परभनी महानगर न्यूज़ नेटवर्क में आपके साथ शेख इफ्तिखार।